चरखी दादरी नगर परिषद में नगर पार्षदों की बिना सहमति के चेयरमैन द्वारा बैकडोर से 300 एजेंडा पास कर दिए गए। इसका खुलासा नगर पार्षदों द्वारा संबंधित विभागों से मांगी गई आरटीआई में हुआ। नगर परिषद के वाइस चेयरमैन की अगुवाई में नगर पार्षदों ने सीएम को नगर परिषद चेयरमैन पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाते हुए उच्च स्तर पर जाँच करवाने की मांग की है। जो कॉन्फ्रेंस है ये नगर परिषद के जो हमारे चेयरमैन है संजय सपारिया जी, उन्होंने अपने मन मुताबिक काम करते हैं और एक्ट के विरुद्ध जाकर के टेंडर लगाते हैं। जब मैंने अधिकारियों से आरटीआई के तहत जो को डॉक्यूमेंट्स मांगे उनमें हमें पता चला, जैसे कि हमारी जो भी मीटिंग होती है, कोई भी मीटिंग हो, पीछे काफ़ी मीटिंग हुई है 2016 से लेकर आज तक जितनी मीटिंग हुई है, हर पार्षद के पास एक एजेंडा जाता है कि फलानी तारीख को ये मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर ये 12 एजेंडे हैं। उन एजेंडों के बाद नीचे एक लाइन लिख देते हैं कि बाकी काम प्रधान की आदेशा अनुसार। तो हम तो 12 एजेंडे देख करके सब पार्षद साथी चले जाते हैं। उसके बाद ये अपनी साठगांठ से अधिकारियों से मिल करके उन 12 एजेंडों के 50 एजेंडे बढ़ा देता है। जो 38 एजेंडे बचे हैं उन एजेंडों का किसी पार्षद को मेरे हिसाब से नहीं पता होगा, जिसका इस आरटीआई से इस अपनी इन्होंने जो दी है इससे पता लग गया है मेरे को कि इस तारीख को तो फलानी तारीख को तो 12 एजेंडे आए थे, और उसके बाद पता लगता है कि इस फलानी तारीख में तो 60 एजेंडे पास हो रहे हैं, तब हमने इसको एक्शन लेने का काम किया है। इस दौरान 200 मैंने जो मेरे पास जो आरटीआई दी हुई है अधिकारियों ने वो 2018 तक 10/2018 तक की है, उसके अंदर 298 ऐसे जो किए हैं इसने अपने मन मुताबिक जो प्रस्ताव पास किए हैं हाउस में 298 है, और अब नियम के विरुद्ध, और अब तक तो ये मान के चलो ये आंकड़ा 300 से 400 के आसपास जा चुका होगा। इस तरह के जैसे कि जमीन देने का 99 साल का पट्टा पे जमीन देने। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी तरह की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।